हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेडिको खेतान लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 1953 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब 1950 रुपए के आसपास हम लोग इसको मान सकते हैं। 1950 रुपए के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पी वगैरह सारे देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, सारी चीजें देखने वाले इस वीडियो में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हम लोगों को डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इवन वीकली चार्ट पर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय का कंसोलिडेशन था, उसके बाद में आज क्या ब्रेकआउट देखने को आया है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे रेडियो खेतान लेको करके। फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीजें, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फंडामेंटल से। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे 25,970 करोड़ का देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ बोल सकते हैं। स्टॉक का पी देख रहे हो 96.6 का है, इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा ट्रेड पे है। डेट देखोगे तो 818 करोड़ का है, हालांकि डेट कोई ज्यादा नहीं है, 0.34 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, बैड पॉइंट। इंट्रेंसिक वैल्यू की नजर डालना तो 411 रुपए की है। डेफिनेटली अब स्टॉक का पी इतना ज्यादा है तो इंट्रेंसिक वैल्यू कम होनी ही थी। डिविडेंड देती है थोड़ा सा, बुक वैल्यू देखोगे 178 की है। बाकी सारे फंडामेंटल तो ओके ओके टाइप है, पर स्टॉक का पी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो काफी इंप्रेसिव आए थे। नेट प्रॉफिट और सारी अगर सेल्स देखोगे तो दोनों ही लेवल पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई देखने को मिली। नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेल्स में। नॉट इवन सेल्स में, क्योंकि प्रॉफिट में भी जाकर के वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। मार्जिन भी अच्छे आए थे, क्वार्टर क्वार्टर का बेसिस पे काफी अच्छे मार्जिन थे, ईयर ऑन बेसिस पे सेम मार्जिन थे, तो कंपनी मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। अदर इनकम देखा जाए तो सिर्फ 4 करोड़ की थी। इंटरेस्टिंग वैल्यू वो सॉरी इंटरेस्ट देखोगे तो 18 करोड़ के आसपास का कंपनी ने इंटरेस्ट चुकाया है। और रिसेंटली अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 4-5 क्वार्टर से इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा सा कंपनी के पास में डेट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। डेफिनेटली कुछ एक्सपेंशन वगैरह के प्रोग्राम यहाँ पर पॉसिबल है। वहीं अगर यहाँ पर डेट देखोगे तो बिल्कुल इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ की, रिजर्व देखोगे तो 2,351 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, और डेट देखोगे 202 करोड़ का हुआ करता तो मार्च 2022 में, बढ़कर के 754 करोड़ का हुआ, 818 करोड़ का हुआ। और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल्स पे। उसके बाद में सेल्स देखोगे तो 1,000 करोड़ के ऊपर की सेल्स निकल गई है और अब 1,137 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सेल वगैरह में देखने को मिलेगा, और सीधा नेट प्रॉफिट में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो लगभग लगभग काफी टाइम से इंटैक्ट ही है, 40% के आसपास। एफआई का देखोगे तो एफआई ही काफी अट्रैक्टिव है, 18 18 ऑलमोस्ट 19% का स्टेक रखते हैं। और रिसेंट क्वार्टर से देखोगे थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, हालांकि फ्लिप फ्लॉप टाइप की होती रहती है। डीआई का देखोगे तो 24% के आसपास स्टेक होल्ड करती है डीआई। तो कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा स्टेक इस स्टॉक में है। बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट पब्लिक का है 16.44% का। तो ये रहे इन्वेस्टर्स वगैरह, सारी चीजें देख ली, बैलेंस शीट देख ली, क्वार्टर रिजल्ट देख ली, फंडामेंटल देख ली। अब बात करेंगे टेक्निकल्स की, टेक्निकल पे स्टॉक क्या कह रहा है। तो ये रहा टेक्निकल, स्टॉक में देखोगे तो एक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था ऑलमोस्ट, देखोगे तो इसको हटा देते हैं फिर से आ गया। ऑलमोस्ट देखोगे तो दिसंबर से या 5 दिसंबर को इसने अपना हाई लगाया था लास्ट टाइम, और उसके बाद में स्टॉक में आ गया लंबा कंसोलिडेशन, लंबा कंसोलिडेशन रहा इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट देखोगे तो सितंबर आ गया, तो लगभग लगभग 8 से 9 महीने तक का कंसोलिडेशन ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका था। अब जाकर के फाइनली हो क्या रहा था कि बार बार ये लगभग 1,800 रुपए के आसपास में रेजिस्टेंस दिखा जाता था, और वापस से अगर सपोर्ट की बात करो तो 1,500 रुपए के आसपास, मतलब 1,500 से नीचे नहीं जा रहा था, 1,800 1,900 से ऊपर नहीं निकल रहा था। अब फाइनली जाकर के ब्रेकआउट आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम का जो वॉल्यूम था 2.7 मिलियन का, और इस बार का जो वॉल्यूम है 3.2 मिलियन का। तो ब्रेकआउट, तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये देखिए वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो और प्रीवियस हाई से भी क्रॉस करते हुए ब्रेकआउट देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो स्टॉक इन लेवलों पे काफी अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे भी काफी इंप्रेसिव वॉल्यूम्स हैं, ये देखिए काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और स्टॉक में देखोगे तो एक कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है,
लास्ट टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद में ये अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ कुछ इस तरह से, अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट रीटेस्ट रीटेस्ट डबल रीटेस्ट हो, तो अब फाइनली इसका फॉलो हम लोगों को वीकली चार्ट पे देखना है। तो वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट्स के वॉल्यूम काफी अच्छे देखने को हम लोगों को लग रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके टारगेट्स पे कि टारगेट्स भाई क्या रहने वाले हैं। तो टारगेट के लिए अगर हम लोग इसका एक सिंपल सा फंडा यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको न्यूट्रल करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, और एक सिंपल सी यहाँ से इन्फो लाइन उठाते हैं, और इसका जो लो है ये कुछ इस तरीके का लो है। अगर लो से हाई तक का अगर हम लोग रखते हैं, ये सबसे लो था, अगर इसको टागर के सिंपल तरीके से हम लोग ये यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये परफेक्ट। तो पहला टारगेट लगभग लगभग 2300 रुपए के आसपास का हम लोगों का निकल के आएगा, 2300 रुपए के आसपास का हम लोग पहला पहला टारगेट यहाँ से रख सकते हैं। तो पहला टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ गया लगभग समथिंग 2300 रुपए का। और दूसरा टारगेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टारगेट निकल के आ जाता है लमसम में 2700 रुपए के आसपास का दूसरा टारगेट आ जाएगा। तो आप लोगों का क्या व्यू है इसको लेकर के क्या टारगेट वगैरह रखने चाहिए? मेरे टारगेट तो ये निकल के आ रहे हैं 2700 रुपए के आसपास, हम लोग इसका दूसरा टारगेट भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ क्या रहा था, देखने बार बार इस लेवल से रिवर्स हो रहा था। तो यहाँ पर देखोगे इस कैंडल ने क्या हुआ, वापस से जो जो प्राइस अच्छा गया था ऊपर की साइड में गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया और वापस से नीचे आने की कोशिश किया, और वापस से एक यहाँ पर सपोर्ट जोन टाइप का बनाने की कोशिश हो रही थी। कुछ प्राइस अगर देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने बना ही लिया था ऑलमोस्ट। तो ये लेवल निकल के आ रहा है हम लोगों के लिए समथिंग अराउंड 1800 रुपए का। तो 1800 रुपए के नीचे का 1780 1770 रुपए के आसपास का हम लोगों का स्टॉप लॉस आ जाएगा। और टारगेट तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से देखने में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से जो टारगेट है 1500 रुपए के वो देखने को मिल जाएंगे। तो बेटर है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ज्यादा भाई लॉस क्यों ले, जब स्टॉक वापस से 1500 रुपए जाने वाला है तो रिस्क क्यों ले, और क्लोजिंग बेसिस पे ये रहने वाला है। तो टारगेट काफी अच्छे हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, फेवरेबल है। तो ये थे रेडियो खेतान को लेकर के हम लोगों के टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और अपनी रिसर्च भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।